अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, हिस्ट्री ऑफ यूएसए के आउटलाइन के तमाम टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड टुडे वी विल डिस्कस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इमर्जेंस एज वन ऑफ द वर्ल्ड पावर्स 1870 टू 1916। यानी आज हम डिस्कस करेंगे यसंत इनकलाब के बारे में, उसकी इमरजेंस के बारे में, और ये पीरियड था 1870 टू 1916 का। यसंत इनकलाब को डिफाइन करेंगे और ये किस तरह से मजदों में तब्दीली लाता है, इसको डिस्कस करेंगे। देन हम पॉइंट देखेंगे कि ग्लिडिड एज की खसूसियात क्या थी और ये किस तरह के समाजी और इक्तसादी तब्दीलियों की अकासी करता है। संत इनकलाब के बारे में डिस्कस करेंगे कि संत इनकलाब में अहम इक्तसादी अवामिल कौन से थे और उन्होंने तरक्की में क्या किरदार अदा किया। देन हम पॉइंट देखेंगे कि किन अहम संतों ने संत इनकलाब के दौरान तरक्की की और इनकी खसूसियात क्या थी, और इसके अलावा मजदूर तहरीकें क्यों उभरी और उन्होंने समाजी असलाहत में क्या किरदार अदा किया था। किस तरह से अमेरिका 20वीं सदी के आगाज तक एक आलमी ताकत के तौर पर उभरा था। संत इनकलाब के दौरान अमेरिका का यूरोप के साथ मुवाजना कैसे किया जा सकता है। संत इनकलाब के नतीजे में क्या माहौलियाती और समाजी चैलेंजेस पैदा हुए। सो इन तमाम टॉपिक्स को हम वन डिस्कस करेंगे। 1870 से 1916 तक संत इनकलाब का वर्षा जो है वो अमेरिका की आलमी हैसियत के ऊपर किस तरह से असर अंदाज हुआ। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज फ्रॉम एग्रीरियन टू इंडस्ट्रियल, सो कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्रीज, मैकेनाइजेशन एंड मैस प्रोडक्शन। संत इनकलाब क्या है? संत इनकलाब एक ऐसा अमल है जो मईशतों को ज़राअत से संत शक्ल में तब्दील करता है, जिसकी जो खसूसियत है वो फैक्ट्री है, मैकेनाइजेशन है, और इसके अलावा बड़े पैमाने के ऊपर पैदावार की बढ़ोतरी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के आखिर में और 20वीं सेंचुरी के आगाज में जो आलमी इक्तसादी हरकियात हैं, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक डायनमिक्स, इसमें एक अहम तब्दीली आई। ठीक है, जिसमें संत ममालिक को बेमिसाल ताकत और असर रसूख और वसाइल हासिल हुई। ठीक है, अब हम इसका हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ग्लिडिड एज जो कि 1870 से 1900 तक था, तो ये अमेरिका की तारीख का जो दौर है वो तेज यानी कि इक्तसादी तरक्की का दौर समझा जाता है। संती तोसी से ये भरपूर था, अर्बनाइजेशन से भरपूर था, एज वेल एज द स्टार्क सोशल इनइक्वालिटीज एंड पॉलिटिकल करप्शन, और जिसके साथ साथ समाजी अदम मसावात और सियासी जो करप्शन थी वो भी मौजूद थी। देन पॉइंट हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की, जो इनोवेशंस हैं जिस तरह से कि स्टीम इंजन है, टेलीग्राफ है, रेल रोड्स है, ये तमाम जो इजादात हैं यानी कि रेलवे का सामान है और लोगों की नकल हरकत को ये आसान बनाता है, जिससे संत तरक्की में तेजी आई। उसके बाद हम उन यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो कि संत इनकलाब को बढ़ाने वाले हैं, अवामिल हैं, इक्तसादी अवामिल। तो उनके अंदर पॉइंट यानी कि एक अवामिल में शामिल हैं, फैक्टर्स में शामिल हैं एक्सेस टू रिसोर्स, वसाइल तक रसाई, द अबंडेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कोयल, आयरन एंड ऑयल प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कुदरती वसाइल की भरपूर दस्तियाबी जैसा कि कोयला, लोहा और तेल, इसने संती पैदावार के लिए खामल जो है वो फराहम किया है। उसके बाद लेबर सप्लाई, यानी महाजरीन और बाकी जो रूरल पॉपुलेशन है उसके आने की वजह से फैक्ट्रियों के लिए सस्ती और वाफिर मजदूर कुत फराहम हुई थी। उसके बाद है पॉइंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, सरमायाकारी का, कि माली इदारों की तरक्की और सरमाए की दस्तियाबी ने संती मंसूबों में सरमायाकारी को आसान बनाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं की इंडस्ट्रीज एंड इनोवेशन का, यानी अहम संतें और इसके अंदर जो इख्तरा हैं, इनोवेशन हैं। रेलवे की सनत, तो रेलवे सामान और लोगों को मुंतकिल करने के लिए अहम थे, जो कि इलाकाई और मईशतों को आपस में जोड़ते थे और तजारत को भी आसान बनाते थे। ठीक है, उसके बाद स्टील इंडस्ट्री, द इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिमर प्रोसेस रिवोल्यूशनाइज स्टील प्रोडक्शन इनेबलिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्काई कॉर्पर्स, ब्रिजेस एंड रेलवे। तो बेसिमर के अमल का आगाज स्टील की पैदावार में इनकलाब ले आया था, जिससे आसमानी जो स्काई कॉर्पर्स यानी आसमानी छूती इमारतें, पुलों और इस तरह से रेलवे की तामीर मुमकिन हुई थी। उसके बाद है जो है ऑयल इंडस्ट्री है, यानी कि जो तेल की सनत है, ऑयल इंडस्ट्री है, द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑयल ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी कंजम्पशन लीडिंग टू द राइज ऑफ द पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्रीज। तेल की दरियाफ्त और इस्तेमाल ने तवानाई के इस्तेमाल में तब्दीली पैदा की, जिससे पेट्रोलियम में मबनी संतों का अरूज हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी कि कपड़े की पैदावार में मैकेनाइजेशन के बड़े सतह के ऊपर तैयारी को मुमकिन बनाया,
जिसे जो कीमती और नुमाया तौर पर यानी कि जो कीमत होती थी उसकी प्राइस होती थी वो काफी हद तक कायम हुई थी और कम हुई थी और दस्तियाबी में भी इजाफा हुआ था। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसकी लेबर मूवमेंट्स और यानी सोशल चेंजेस का मजदूर तहरीक और समाजी तब्दीलियाँ क्या आई। सो वर्किंग कंडीशन काम के हालात कैसे थे, संत इनकलाब के नतीजे में अक्सर खराब काम के हालात थे ठीक है और कम तनख्वाहें थी, इसके अलावा तवील घंटे और कम तनख्वाहें देखने को मिली थी जिससे मजदूर तहरीकों और यूनियंस को उभार हुआ था। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स क्या थे, मजदूरों के हकूक, बच्चों की मजदूरी के कवानीन और बेहतर काम के हालात की वकालत ने अहम समाजी असलाहत की राह हमवार की। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं इमरजेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ वर्ल्ड पावर, इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री पावर एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द यूएस इमर्ज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक सरपेसिंग मेनी यूरोपियन नेशंस। तो अमेरिका के आलमी ताकत का उभार आया इकतसादी तरक्की की वजह से। 20वीं सदी के आगाज तक अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ी मईशतों में से एक के तौर पर उभरा था जो कई यूरोपीय ममालिक से आगे निकल गया ठीक है। उसके बाद है इसका मिलिट्री पावर, इसकी फौजी ताकत क्या थी कि संती इंकलाब ने जो फौज की तौसीह थी और जदीदियत थी इसमें सहूलत फराहम की ठीक है, जिससे अमेरिका को आलमी सतह के ऊपर जो ताकत है वो जाहिर करने की इजाजत मिली थी। उसके बाद हम देखते हैं इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना है कि अमेरिका ने आलमी अमूर के अंदर एक अहम किरदार अदा करना शुरू किया जिससे सियासत, मईशत और सकाफत के ऊपर असर डाला। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, संधि इनकलाब का आलमी तनाजर। फिर इसको कंपैरिजन अगर हम करें यूरोप के साथ तो यूरोप जो था उसमें भी संधि इनकलाब के वो अमल से गुजर रहा था। अमेरिका ने बड़े पैमाने के ऊपर पैदावार और इसके अलावा जो इनोवेशन थी इख्तरा थी उनके ऊपर तवज्जो दी थी। कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल मार्केट्स और नवाबादियाती दौर और आलमी मार्केट्स हैं। मार्केट्स तो संती ताकतों ने नए बाजारों और वसाइल की तलाश में नवाबादियात का क्याम किया जिससे आलमी तजारत नेटवर्क की तोसी हुई थी। उसके बाद चैलेंजेस एंड कंसर्न जो है कंसीक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, संती इनकलाब के चैलेंजेस क्या थे और उनके नतायज क्या थे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इनइक्वालिटीज और इकोनॉमिक साइकिल के पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो माहौलियाती असरात क्या था कि तेज संती तरक्की ने आलूदगी को जंगलात की कटाई और कुदरती वसाइल की कमी के वजह बनी। सोशल इनइक्वालिटीज, तो संती इनकलाब ने सोशल इनइक्वालिटीज को बढ़ाया जिससे अमीर जो सनतकार थे और मजदूर तबके थे उनके दरमियान एक वाज़ह फर्क पैदा हुआ। उसके बाद इकोनॉमिक साइकल्स हैं, द बूम एंड बस्ट साइकिल ऑफ द इकॉनमी लीड टू द पीरियड्स ऑफ द रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि मईशत के फलने और घटने के जो चक्कर थे कसाद बाजारी बेरोजगारी के दौरान ही पैदा हुए थे जो संधि तरक्की के इस्तेकाम के लिए चैलेंज बन गया था। तो इस तरह से जो इक्तसादी चक्कर है मईशत के यानी बढ़ने का और कम होने का साइकिल, तो कसाद बाजारी और अनएम्प्लॉयमेंट का जो दौरानिया था इसके यानी बेरोजगारी के दौरानिया इसमें पैदा किए। उसको हम उसके बाद हम इसको कंक्लूजन की तरफ आते हैं, कंक्लूड करते हैं लेगेसी ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन के 1870 से 1916 तक का जो दौर था वो अमेरिका की तारीख में एक अहम तब्दीली का दौर था ठीक है, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द यूएस एज अ ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर, जो कि यानी कि आलमी संती ताकत के तौर पर उभरने की बुनियाद रखी थी इसने, अमेरिका को आलमी संती ताकत के तौर पर यानी कि उभरने की एक बुनियाद रखी। सो समराइज करते हैं कि आज के टॉपिक में हमने किन जो है पॉइंट्स को डिस्कस किया है, संत इनकलाब की तारीख को डिस्कस किया और ये किस तरह मुश्तों में तब्दीली लाती है। संत इनकलाब एक अहम इकतसादी और समाजी तब्दीली का अमल है जिसने ज़रिए मईशतों को संती शक्ल में तब्दील किया और ये अमल मैकेनाइजेशन, फैक्ट्रियों की तमीर, बड़ी सतह के ऊपर पैदावार की बदौलत हुआ था ठीक है, और इसके नतीजे में पैदावार की रफ्तार में इजाफा हुआ, मजदूरी की तलब में तब्दीली आई और इसके अलावा माशर्ती ढांचों में भी तब्दीलियां आई थी जिसने आलमी मईशत की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया गिल्डेड एज का, इसकी खसूसियात क्या थी और ये किस तरह की समाजी और इकतसादी तब्दीलियों की अकासी करता है। तो गिल्डेड एज 1870 की दहाई 1900 की खसूसियात में तेज इकतसादी तरक्की, अर्बनाइजेशन, संती तोसी के अंदर शामिल है। यह दौर जो है वो समाजी अदम मसावात, सियासी बदअनवानी, मेहनत की खराब हालतों की नकासी करता है और इस दौर में अमीर और गरीब के दरमियान फर्क भी बढ़ा। ये संती तरक्की के जो समरात हैं उनके सोशल इनइक्वालिटीज की ये अलामत बन गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया थर्ड पॉइंट को कि संती इनकलाब में अहम इकतसादी अवामिल कौन से थे और उन्होंने तरक्की में क्या किरदार अदा किया।
तो संती इनकलाब के दौरान अहम इक्तिसादी अवामिल में कुदरती वसाइल की भरपूर दस्तियाबी शामिल थी, सस्ती मेहनत की फरामी थी, सरमायाकारी की सहूलियात भी शामिल थी और कुदरती वसाइल जैसे कि कोयला है, लोहा है, तेल है, इसने खाम अल फराम किया, ठीक है, जबकि जो इमिग्रेंट्स थे और रूरल पॉपुलेशन थी उनकी कमी को पूरा किया और माली इदारों की तरक्की ने भी सनती मनसूबों में सरमायाकारी को आसान बनाया जिसने तरक्की की रफ्तार को तेज किया। फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि किन अहम संतों ने सनती इनकलाब के दौरान तरक्की की और उनकी खसूसियत क्या थी। तो सनती इनकलाब के दौरान कई अहम संतों ने तरक्की की थी जिनमें रेलवे, स्टील, कपड़ा और तेल की सनतें शामिल थी। रेलवे ने सामान और लोगों के ट्रांसपोर्टेशन में सहूलत फराम की थी जबकि स्टील की सनत ने बेसमर के अमल के स्टील की पैदावार में इनकलाब लाया था और कपड़े की सनत में मैकेनाइजेशन ने कीमतों में कमी और पैदावार में इजाफा किया था और तेल की सनत ने तवानाई के लिए नए ज़राए फराम किए, ठीक है। उसके बाद मजदूर तहरीकें क्यों उभरी थी और उन्होंने समाजी असलाहत में क्या किरदार अदा किया था। तो हमने डिस्कस किया कि मजदूर तहरीकें खराब काम के हालात की वजह से उभरी थी, इसके अलावा उनको तवील घंटों तक काम करना पड़ता था, तनख्वाहें भी इस काम के हवाले से कम थी, तो इस तमाम चीज़ों को, इस नाइंसाफी को ख़त्म करने के लिए सोशल रिफॉर्म्स हुई थी और तहरीकें उभरी थी। तो मजदूरों ने अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए, अपने बेहतर काम के हालात के हसूल के लिए तंजीमें बनाई थी और इन तहरीकों ने समाजी असलाहत की राह हमवार की थी जिसके नतीजे में मजदूर कवानीन, बच्चों के मजदूरी के कवानीन और बाकी समाजी बेहतरी के इकदाम इसके अंदर आए थे। उसके बाद किस तरह अमेरिका 20वीं सदी के आगाज से कालमी ताकत के तौर पर उभरा, हमने डिस्कस किया कि अमेरिका ने सनती इनकलाब के दौरान काफ़ी बेहतर इक्तसादी तरक्की की जिसने उसे 20वीं सदी के आगाज तक दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल कर दिया और सनती तोसी ने फौजी ताकत को बढ़ाने और जदीद बनाने में भी मदद की जिसने अमेरिका को आलमी सतह के ऊपर ताकत के तौर पर जाहिर करने की इजाज़त दी और इसकी माली ताकत और सनती वसाइल ने आलमी अमूर में अहम किरदार अदा किया, ठीक है। सेवंथ पॉइंट हमने डिस्कस किया था सनती इनकलाब के दौरान अमेरिका का यूरोप के साथ मुवाजना कैसे किया जा सकता है। तो हमने देखा कि अमेरिका ने सनती इनकलाब के दौरान बड़ी सतह के ऊपर पैदावार को और इसके अलावा टेक्निकल इनोवेशन के ऊपर तवज्जो दी थी जबकि यूरोप में यह अमल ज्यादातर रवायती तरीकों के साथ जारी रहा और यूरोप ने जो है वो नवाबादियाती दौर में नए बाजारों की तलाश की लेकिन अमेरिका ने अपने दाखिली मार्केट को फरोग देने और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने में ज्यादा तेज रफ्तारी दिखाई, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट डिस्कस किया कि सनती इनकलाब के नतीजे में क्या माहौलियाती और समाजी चैलेंजेस पैदा हुए। सनती इनकलाब के तेज रफ्तार तरक्की ने माहौलियाती आलूदगी, जंगलात की कटाई और कुदरती वसाइल की कमी जैसे चैलेंजेस पैदा किए और समाजी अदम मसावात भी एक बड़ी तशवीश बनी क्योंकि सनती तरक्की ने अमीर सनतकारों और मजदूर तबके के दरमियान एक वाज़ह फर्क पैदा किया था, ठीक है। तो जिसके नतीजे में समाजी कशीदगी आई और गैर यकीनी हालात भी पैदा हुए। देन हमने जो है पॉइंट डिस्कस किया कि 1870 से 1916 तक जो सनती इनकलाब था क्या इसका वैसा और अमेरिका की आलमी हसीियत के ऊपर क्या किस तरह से असर अंदाज हुआ था। तो लास्ट में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि 1870 से 1916 तक सनती इनकलाब ने अमेरिका को एक आलमी सनती ताकत के तौर पर उभारने की बुनियाद रखी। तो इसने न सिर्फ अमेरिका की इक्तसादी तरक्की को तेज किया बल्कि उसे आलमी अमूर में किरदार अदा करने की सलाहियत भी फराहम की। तो ये जो दौर था ये जदीद अमेरिका के तश्कील में अहमियत रखता है जिसने आलमी तिजारत, सियासत और सकाफत में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया। तो हमने डिस्कस किया है जो कि आज का हमारा टॉपिक था यानी आलमी ताकत के तौर पर जो संतों का उभार आया था 1916 इसका जो दौर था यानी 1870 से 1916 तक सनती इनकलाब और इसकी आलमी ताकतें किस तरह से उभरी थी, उनका अरूज किस तरह से आया था और ये पीरियड था 1870 to 1916। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।